नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल सीमा के तराई में 184 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व दुर्लभ वन जीवों की खान है, जहां बाघ, हिरण, भालू जैसे न जाने कितने जीव जंतु विचरण करते हैं। दरअसल दुधवा के जंगलों में विलुप्त हो चुका दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, जो कभी दुधवा के जंगलों में सन 1936 से पहले लगातार देखा जाता था, लेकिन उसके बाद यह दिखना बंद हो गया, जिसके बाद प्रकृति में हुए बदलाव में एक बार फिर यह दुर्लभ सांप सन 2018 में दिखाई दिया और उसके बाद सन 2020 में फिर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते पार्क प्रशासन में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं वन्य जीव प्रेमियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में लगातार हो रही बारिश के बाद एक कर्मचारी के घर के अंदर दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप बैठा दिखाई दिया, जिसे मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया और इसकी जानकारी अधिकारियों को भी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को घने जंगलों में छुड़वा दिया। बातचीत में जानकारी देते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि यह लाल रंग का सांप है, जो रेड कोरल कुकरी के नाम से जाना जाता है, और यह सांप बहुत ही दुर्लभ किस्म का सांप है, और इसका नाम कुकरी इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की एक हथियार कुकरी के जैसे ही इसके दांत हैं, और यह सांप जहरीला भी नहीं है और यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यहाँ ही नहीं, यह सबसे पहले हमारे यहाँ खीरी में ही दिखाई दिया था। ये जो सांप दिखाई दिया है रेड कोरल कुकरी, ये लास्ट टाइम 1936 में दिखाई दिया था, उसके बाद लगातार 2018 और इधर 2020 में दिखाई पड़ा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रकृति में जिस हिसाब से बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है प्रकृति को, और जो विलुप्त हो चुकी प्राणी हैं वो अब दोबारा से लौटने लगे हैं, और जो देखा जाए कि अपने यहाँ का वन अधिकारी है, जो उन्होंने संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई थी, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, और हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जिससे विलुप्त हुए प्राणी फिर से हमें दिखाई पड़ने लगे, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये जो सर्पवात को कहीं से भी जो रिपोर्ट किया गया है, ये मुख्यतः रेड कोरल कुकरी सांप के नाम से जाना जाता है, और इसको वैज्ञानिक तौर पे ओलिगोडॉन खेरियंसिस बोलते हैं, तो इससे भी पता चलता है, जो स्पेसिफिक नाम उसको दिया गया खेरियंसिस, इसका मतलब है कि कहीं खेरी में पाया गया था। बताया जाता है कि 1936 में आखिरी बार दिखा था, फिर उसके बाद फिर 2018 में इसको देखा गया 82 साल के बाद, और 2018 के बाद से ये सिलसिला लगभग कायम है, हर साल ये दिख रहा है, पिछले साल भी दिखा था, लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेजी थी, इस साल भी दिखाया, और ये मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो सांप है ये बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं है, जहरीला सांप नहीं है, तो इसको यदि आप देखते हैं तो इसकी सूचना वन विभाग को दें, और मतलब इसको मारने का प्रयास न करें। इसकी एक खासियत ये है, इसको आप सोचते होंगे कि कुकरी सांप क्यों बोलते हैं, तो कुकरी बोलने के पीछे जो कारण है, इसके दांत की जो बनावट है, वो नेपाल में जो कुकरी इस्तेमाल की जाती है, उस तरीके का इसके दांत दिखते हैं, और ये मुख्यतः इसका जो आहार है वो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इस तरह की जो चीज़ें छोटे जो ऐसे होते हैं रेप्टाइल्स, उनको खाने का क्या काम करता है, तो ये किसी भी प्रकार से जो है जहरीला नहीं है, और ये अच्छी चीज़ है कि दुधवा में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो पूर्व में नहीं दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि संरक्षण जो है वो अच्छी दिशा में जा रहा है, और ऐसी जैव विविधता जो दुधवा की है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा होगा, लेकिन लोगों की नज़र नहीं पड़ी होगी ऐसा लगता है, परंतु ये है कि इसको देखा जाना एक सुखद पहलू है, और दुधवा में आप जैसे जानते हैं कि और भी जैव विविधताएँ दिखती रही हैं हमेशा, अभी हाल ही में एक ओली ये जो ऑर्किड है वो भी दिखा है यहाँ पे, जो ग्राउंड ऑर्किड है, तो दुधवा की जैव विविधता का इससे परिचय।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।